हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ई व्लॉग में। अगर चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ तार राहुल के ऊपर। आप लोगों को पता है कि मैंने बहुत सारी उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ मैं वो अलग टॉपिक को बात करने वाली हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को वॉच करें बिना कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है सिर्फ थंबनेल देखते हैं और कमेंट करने आ जाते हैं। तो अच्छा होगा कि पहले वीडियो को वॉच करें, उसके बाद ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। तो बात करती हूँ मैं तारा राहुल की। तो तारा ने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले कि यूट्यूब चैनल डिलीट, मतलब कि वो अपना यूट्यूब चैनल क्लोज, डिलीट नहीं क्लोज, मतलब अपना यूट्यूब चैनल क्लोज करने के लिए उसने बोला था। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उसको लेकर, और बहुत सारे लोग जो उसके रहन सहन कपड़ों को लेकर बोलते हैं कि ससुर के सामने ऐसे रहती है, ऐसे कपड़े पहनती है, मतलब कि इसको शर्म नहीं है और बस यूट्यूब से पैसे कमाना चाहती है और कुछ नहीं है, ये सब उसको बोला गया था। जिसके चलते और कुछ घर में बच्चा है छोटा, उनके ससुर जी राहुल भैया के जो पापा हैं उनका ऑपरेशन होने वाला है, उनको पथरी है, 26 को शायद होना था, आज 24 है। तो बहुत सारी जो हैं उन्होंने उस वीडियो में बताई थी। तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ तारा राहुल के साथ, तो इसलिए मैं सोचता कि ये वीडियो बनानी एक तारा के लिए नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको इस चीज़ के लिए उनके ऊपर उनको बोला जाता है। तो आज सिर्फ उसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमारे समाज में ये बोला जाता, पहले क्या होता था, जो बहुएँ हैं वो सिर पर पल्लू रख करके रखती थी, ससुर के सामने जेठ के सामने पल्ला मतलब दुपट्टा करके रखती थी, ठीक है, आप तो सिर पर दुपट्टा भी नहीं रखती हैं, आप तो सीधे लोअर टी शर्ट में रहती हैं जैसे कि तारा रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, वैसे तो आप लोग बोलते हो कि जो बहू है उसको ससुराल में बेटी वाला दर्जा मिलना चाहिए, कि सास ससुर अपनी बहू को बेटी क्यों नहीं मानते हैं, ससुराल में बहू के साथ बेटी वाला व्यवहार क्यों नहीं होता है, ये सब लोग भी सारी बातें भी हमारा समाज कहता है कि मतलब चाहे कितना भी कर ले बहू ससुराल में, लेकिन उसको बेटी वाला दर्जा कभी नहीं देते हैं सास ससुर या उसके ससुराल वाले। लेकिन अगर जब ससुराल वाले बहू को बेटी वाला दर्जा दें तो उस पर फिर आप लोग एतराज़ क्यों करते हो? अगर तारा की जगह उनकी अपनी बेटी होती, वो भी तो ऐसे कपड़े पहनती है, जीन्स टॉप लोवर पहनती है ना। अगर तारा वो सारे कपड़े पहनती है जो उनकी बेटी पहनती है, जो राहुल की बहन पहनती है, वो सारे कपड़े तारा पहनती है, तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन क्यों? क्योंकि आप ही लोग तो कहते हो ना कि ससुराल में बहू को बेटी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ससुराल वाले बेटी और बहू में अंतर नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बेटी को रखते हैं और ऐसे ही बहू को रखते हैं, तो फिर आप लोग एतराज़ क्यों कर रहे हो? जब या फिर वही अच्छा लगता है कि इतना लंबा घूंघट करके रखे बहू सेठ जेठ के सामने, ससुर के सामने, ससुराल में, तब अच्छा लगे साड़ी पहन के रखे, घूंघट करके रखे, वो सब कुछ अच्छा। ये चाहते हो कि पहले वाली सब कुछ चलता रहे, जैसे ससुराल में बहू को बेटी का दर्जा नहीं मिल रहा था वही सब कुछ चलता रहे। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो, क्योंकि कपड़े पहनने से इज्जत ना तो कभी जाती है और ना कभी आती है। अगर बहू को इज्जत नहीं करनी होगी अपने सास ससुर की, तो वो इतना घूंघट करके रखेगी ना, जब भी नहीं करेगी। अगर उसे इज्जत करनी होगी ना, तो वो जीन्स टॉप पहनेगी तब भी इज्जत करेगी। तो कपड़े पहनने से किसी के इस चीज़ का पता नहीं चलता कि उसका नेचर कैसा है या किस में संस्कार है नहीं है। तो ये सब चीज़ कपड़ों से तुलना मत करो। अगर आप चाहते हो कि ससुराल में बहू को बेटी वाली इज्जत मिले, सास ससुर बेटी को बहू की तरह रखें, तो फिर कपड़ों के ऊपर एतराज़ क्यों? क्योंकि बेटी भी ऐसे ही कपड़े पहनती है मायके में जैसे तारा अपने ससुराल में पहनती है। तो अगर उसके सास ससुर दोनों में भेदभाव नहीं करते, तारा को भी अपनी बेटी मानते हैं, जैसे अपनी बेटी को कपड़े पहनाते हैं ऐसे तारा को पहनाते हैं, जैसे तारा रहती है ऐसी उनकी बेटी रहती है, तो फिर अगर एक इससे तो एक मैसेज मिल रहा है हमारी जनरेशन को कि सास ससुर को अपनी बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी शादी करके आई है। तो आप लोग ये नहीं कि उसके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा दे कि सलवार पहनना है, साड़ी पहननी है, घूंघट करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो
अगर अपने देश को आगे ले जाना है, चाहते हैं कि औरतों के साथ ये सब कुछ ना हो, भेदभाव ना हो, तो इस चीज़ को सीखो, इस चीज़ को सपोर्ट करो, ठीक है। अगर बेटी ससुराल में ससुर के साथ अपनी पापा की तरह रहती है, जैसे अपने मायके में पापा के साथ रहती है, अगर ऐसे ही ससुराल में अपने ससुर के साथ रहती है, तो क्या क्या फ़र्क पड़ गया इस चीज़ से। ससुर भी तो बाप, ससुर जी को भी तो बाप का दर्जा दिया जाता है ना। अगर वो बाप का दर्जा यहाँ पर सही हो रहा है, सही दिख रहा है, तो फिर उस चीज़ में ऐतराज़ क्यों? जब बेटी बाप के साथ ऐसे रह सकती है, तो ससुर के साथ क्यों नहीं? ससुर भी तो हमारे बाप ही, पापा ही है ना, तो उनके साथ क्या हम खुल के नहीं बैठ सकते, खुल के नहीं रह सकते उनके सामने? उनके सामने जब हम घूंघट करेंगे, जब ही संस्कारी बहू साबित होंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है, तारा हर चीज़ में हर चीज़ करती है, चाहे वो ससुराल वालों के लिए हो, चाहे मायके वालों के लिए हो, चाहे ससुर सास ससुर के लिए, चाहे मम्मी पापा के लिए हो, हर किसी के लिए करती है। मैंने, लोग बोलते हैं कि तारा में एटीट्यूड है, पहले मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एटीट्यूड है, लेकिन जब से मैंने राहुल से बात की, राहुल भैया से मेरी बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसमें एटीट्यूड है, ठीक है। उन लोगों में एटीट्यूड है, उसका नेचर ही ऐसा है, वो है ही ऐसी, किसी किसी बंदे का नेचर ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक ये बात बहुत ज़्यादा अच्छा जाती है कि यूट्यूब पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है। तो मुझे एक बात बताओ, अंबानी है, अंबानी सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी कहीं ना कहीं पैसे कमी पड़ जाते होंगे, तभी तो पैसे कमाता है। पैसे की ज़रूरत किसे नहीं है आज के टाइम पर। और यूट्यूब पे आते हैं लोग किस लिए आते हैं? यहाँ गाय भैंस चराने के लिए तो आते नहीं हैं, सब व्यूज़ के लिए आते हैं, सब पैसों के लिए आते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो सेलिब्रिटी भी हैं, वो भी, उनके भी यूट्यूब चैनल हैं, तो वो क्या यूट्यूब पर क्या करने आते हैं? टाइम पास करने थोड़ा ना आते हैं। सोचते हैं कि हमारी यहाँ से भी इनकम हो रही है, तो हमारी इनकम यहाँ से भी हो जाए। इनकम तो जितनी हो जाए उतनी कम है, तो इस चीज़ पर क्यों ऐतराज़ करना? और रही यूट्यूब चैनल की बात, देखो वो उसका यूट्यूब चैनल है, वो अपने हिसाब से चलाएगी कि उसे कब वीडियो डालनी है, कब नहीं डालनी है। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार कि हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। कई बार होता है, छोटा बच्चा भी है, पहले बच्चा नहीं होता है, बहुत सारी फ्रीडम होता है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसके चलते वो अगर नहीं कंटिन्यू यूट्यूब करना चाहती तो वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन एक ना पढ़ा लिखा एक यूट्यूबर जो है ना, वो ऐसा होता है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तारा के ऊपर रिएक्शन दिए हैं कई सारे। और जब उनके पास, तारा के पास, तारा मुझसे छोटी है एज में काफ़ी, लेकिन जब उसके पास ये गया कि परी व्लॉग तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देती है, तो उसका एक सिंपल जवाब था कि उनका रिएक्शन चैनल है तो वो रिएक्शन ही देंगे, लेकिन रिएक्शन अच्छे वे में दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते रहे कि अरे इसके ऊपर वीडियो बना दी तूने, अब इसके ऊपर वीडियो बना दी, अब इसे लेके बैठगी। तो जिनकी हम वीडियो बनाते हैं उनको पता है कि रिएक्शन चैनल होते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इतना ही कहना चाहूँगी, अगर चाहते हो अपने देश को आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, और हमारे देश में ससुराल में बहू को भी बेटी वाला दर्जा मिले, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है कि इसने ऐसे कपड़े पहन लिए तो जींस टॉप पहन के घूम रही है, इसको शर्म नहीं है, इसको इज्जत नहीं है, ससुर के सामने सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। अरे यार, चलो हमने सर पे तो दुपट्टा रख लिया ससुर के सामने, है ना, और पीछे से हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो उस दुपट्टे को रखने से क्या फ़ायदा? और जैसे जैसे जमाना मॉडर्न जमाना आ रहा है, जमाना चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ देखो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ही लोगों में। पहले के लोग, पहले की बहुएं जो थी ससुर के सामने बोलती भी नहीं थी, ना जेठ से बोलती थी, पर आज की बहुएं और ससुर से बिल्कुल पापा की तरह बात करती हैं, जेठ से बिल्कुल भैया की तरह बात करती हैं, बिल्कुल फ्रेंडली बात करती हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि ससुराल में बहुओं को बेटी आवाज़ दर्जा मिलना स्टार्ट हो गया है। अब हमारी बेटी खुश रहेगी। ये पहले क्या होता था, बेटी मायके फ़ोन करती थी, मम्मी ये हो रहा है ये, अब बेटी खुल के बात कर सकती है ससुराल वालों से। तो करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको किसी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।